वेल, मेरा एसोसिएशन आईडीए के साथ बहुत लंबे अरसे से है और हर बार हम लोग एक फ़ंड ड्राइव करते हैं जहां हम लोग सिर्फ लोगों से ऐसे नहीं बोलते कि आप बस चेक भेज दीजिए, बट बल्कि वी गिव देम समथिंग इन रिटर्न। तो ये शो जैसे आपने देखा अभी, बमन ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, उसके पहले तौफीक कुरैशी जी जो पर्कशनिस्ट हैं, तबला प्लेयर हैं, फ्यूजन म्यूज़िक है, केमिस्ट्री, एक पूरा बैंड है परफॉर्मिंग अलॉन्ग विद सूर्या। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड इट्स वी आर सो हैप्पी इट्स बीन सो सक्सेसफुल और बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है और बहुत सारे लोगों ने हमारी इंडस्ट्री से भी, उनको मैं थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने मदद की। मेरे दोस्त जैसे करण हुए, मिस्टर करण जौहर, ऋषिका लुल्ला, सनी दीवान, देन देर वॉज लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री हु रियली हेल्प्ड, देर वॉज राज कुंद्रा। सो ये लोगों की बैकिंग से भी, और जैसे कि आपने कहा देखा कि सब बहुत ही एक कंपैशन के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ये नहीं है कि पेड काइंड ऑफ थिंग है, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉज एंड द कॉज इज़ फॉर इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स। जितने रेस्क्यूड, जितने जैसे बहुत सारे हमारे स्ट्रे एनिमल्स, और जहाँ ज़्यादातर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग समझते हैं यू नो, जहाँ पे डॉग बाइट्स वगैरह भी हो रहे हैं, तो जहाँ पे वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, डॉग्स को स्टेरिलाइज करने की ज़रूरत है ताकि और पपीज ना हों और ये ज़्यादा फैले नहीं, उनको भी टॉर्चर है और जो वहाँ रहते हैं उन लोग को भी टॉर्चर है। तो ये एक कम्युनिटी सर्विस है एक्चुअली जो हम लोग करते हैं, जो इंजर्ड जानवर हैं इधर उधर उनको भी लाते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, जहाँ ब्लाइंड डॉग्स होते हैं या गाड़ियाँ कुचल के चली जाती हैं कुत्तों को, चाहे वो पंछी हो जो गिर जाते हैं, जो पतंग होती है उसके कांच की डोरी से वो उनके विंग्स टूट जाते हैं, कभी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हम लोग को मिलते हैं, उनको उठा के उनका इलाज होता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉज एंड थैंक यू फॉर यू ऑल ऑल्सो बींग हियर, के यू आर हियर टू यू नो, एक अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझती हूँ कंपैशन इज़ वेरी नेसेसरी इन एवरी ह्यूमन बींग। Your children also help to collect the contribution. You know, मैं हाँ, आज मेरे बच्चों को भी एक अवार्ड मिला, क्योंकि वो कंपैशनेट किड्स क्लब है जो इसका आइडिया का, तो उन्होंने उसके लिए काफ़ी अपने हाथ से ब्रेसलेट्स वगैरह बना के बेच के पैसे जमा किए हैं। और मैं समझती हूँ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने आप ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि जितने क्रिमिनल केसेस आप देखते हैं, जो बड़े होके लोग मर्डरर्स बन जाते हैं, रेपिस्ट बन जाते हैं, उनकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उनको क्रुएल्टी, जिसे स्कूल में हम बुलिंग कहते हैं, वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। और कहाँ से शुरू होती है? पहले जानवरों से शुरू होती है, जहाँ एक लड़का यू नो, एक छोटे पपी का पूंछ तोड़ रहा है, या उनको जला रहे हैं, या बिल्ली को कुछ माले से फेंक दिया। कितनी ऐसी स्टोरीज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी वहाँ से शुरू होती है, क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। तो मैं लोगों को बोलती हूँ, जैसे ही आप ये साइंस देखो, उनको चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ से आप कंपैशन और प्यार फैला सकते हो कि जो आपसे वीकर है उसको प्रोटेक्शन, उसको टॉर्चर करने से ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन दो। तो ये मेंटालिटी आगे जाके बच्चों में भी एक कंपैशन और एक किसी की केयर करना वो सिखाती है। तो पेट्स आर वेरी नेसेसरी इन आर लाइफ, नॉट ओनली फॉर स्ट्रेस बस्टर्स, बट ऑल्सो टू टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट माई चिल्ड्रन हैव टेकन दिस कॉज राइट एट वेरी यंग एज। 20 साल हो चुके हैं आईडीए को, और आपकी मूवी दिलवाले को भी आज 23 इयर्स हो चुके हैं, तो कुछ ऐसा रीयूनियन का जो आईडीए वाले हैं वो भी दिलवाले ही हैं तो दिलवाले जितने हैं यहाँ पे आप अंदर देख रहे हैं, वो सब दिलवाले हैं, बिकॉज दे बिलीव इन अ सर्टेन कॉज एंड दे बिलीव इन गिविंग एंड दे बिलीव इन टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स एंड पीपल हु आर वीकर देन देम। They need our help. What the status of your movie is coming, Mother? अभी release हो रही है Mother हाल ही में in April. तो that also deals with violence against women. तो yeah. उसके बारे में थोड़ा बताओ। सोनी का शो आ रहा है बहुत जल्दी, सबसे बड़ा कलाकार, जो वो भी मार्च में शुरू हो जाएगा। तो वो भी हम बहुत ही हमारे देश के टैलेंटेड बच्चों को ढूंढ रहे हैं, जो एक ओवरऑल, जैसे हम लोग क्रिकेट में बोलते हैं एक ऑलराउंडर है, तो वैसा एक कलाकार ढूंढ रहे हैं जो सबसे बेहतरीन हो। मेरे डैड हॉस्पिटल में है, एंड इनफैक्ट मैं इसलिए थोड़ा जल्दी निकल रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ वापस जाना है। थैंक यू सो मच।